स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। देश में थैलियों में मिलने वाले दूध के मशहूर ब्रांड मदर डेयरी ने हाल ही में अपने दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़त की है। आपको बता दें कि दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में लोग थैलियों में मिलने वाले मदर डेयरी के दूध का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसने बीते शनिवार से अपने दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने पशुपालकों से खरीदे जाने वाले दूध की लागत बढ़ने के बाद ही ये कदम उठाया है। खैर, इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये कीमतें केवल थैली में मिलने वाले दूध पर ही लागू की गई हैं। खुले में मिलने वाले टोकन दूध की कीमतों में कोई उतार चढ़ाव नहीं किया गया है। कंपनी ने बताया कि 1 लीटर वाली थैली की कीमत 1 रुपये प्रति लीटर और साथ ही आधे लीटर वाली थैली की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इससे उपभोक्ताओं को प्रति थैली 1 रुपये अधिक का भुगतान करना होगा। हालांकि भारत की रेटिंग एजेंसी क्रिसील की मार्च 2019 की रिपोर्ट में ये साफ हो गया था कि जून तक दूध की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दूध और उससे बनने वाले उत्पादों के महंगे होने की वजह SMP के उत्पादन में कमी और मांग का बढ़ना है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 20 में दूध उत्पादन 3 से 4% घटने की भी उम्मीद है, तो वहीं दूध की खपत 6 से 7% बढ़ने से भी दूध के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि जल्द ही दूध की दूसरी कंपनियां भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर हुई गेहूं की तुलाई अभी तक भी 100% नहीं हो सकी है। आपको बता दें, करीब 2 बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य घटाया भी गया, लेकिन इसके बाद भी इस बार टारगेट से 225,000 मीट्रिक टन कम गेहूं की खरीद हो सकी है। इसकी मुख्य वजह ये है कि खरीदी कराने वाले अधिकारी लोकसभा चुनाव में लगे रहे और खरीदी पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके चलते जिले में 2 महीने में सिर्फ 1,80,000 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो सकी और 23,100 किसान अपनी उपज बेच सके। आधे से ज्यादा किसान केंद्रों पर अपनी उपज बेच ही नहीं सके, जबकि समर्थन मूल्यों पर गेहूं की फसल बेचने के लिए इस बार 50,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराए थे। किसानों के पिछले साल की तुलना में 2 गुनी पंजीयन संख्या को देखते हुए खाद्य विभाग ने खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी थी, लेकिन समय पर खरीदी शुरू न होने के कारण इस साल हजारों किसान केंद्रों पर फसल नहीं बेच सके। शासन द्वारा समर्थन मूल्य 1840 और बोनस 160 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जिसका फायदा सिर्फ 23,100 किसान ही ले सकेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल के तट पर 6 जून को पहुंचने का पूर्वानुमान जताया है। इसका मतलब है कि मॉनसून देश में दस्तक देने की तारीख से थोड़ी देरी से पहुंचेगा। हालांकि विभाग ने ये माना है कि उसके अनुमान में 4 दिन की घटत बढ़त हो सकती है, इसलिए मॉनसून भारत में 2 जून से 10 जून के बीच किसी भी दिन पहुंच सकता है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाले निजी एजेंसी स्काईमेट ने 4 जून को मॉनसून केरल तट पर पहुंचने का अनुमान जताया है। खैर, इसी के साथ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून देरी से आने का मतलब बारिश कम होना बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।